हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डिफाइन सेल्फ इंडक्शन एंड मेंशन इट्स एसआई यूनिट। तो फर्स्ट हमको सेल्फ इंडक्शन डिफाइन करना है और उसके एसआई यूनिट को मेंशन करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी आर यूजिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ पर हम इसका एक पहले डायग्राम बनाते हैं। हम सब जानते हैं कि जब एक वायर से करंट फ्लो करता है तो वो आसपास अपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इस कंडीशन में भी यहां से अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो होने से इस क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर हम करंट को इंक्रीज करें तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा इंक्रीज होगा और उससे फ्लक्स भी हमारा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमारा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है हमारा इंक्रीज करने पे करंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट लगाएंगे तो यहाँ पर फ्लक्स हो जाएगा हमारा एल, जो कि हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है आई। तो यहाँ फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। एल जो है यहाँ पर हमारा वो सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर सेल्फ इंडक्टेंस को लिखें तो फ्लक्स पर यूनिट करंट, तो ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। और इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी हमारी वेबर पर एम्पियर, या फिर इसको हम हेनरी भी कहते हैं, हेनरी भी इसका एसआई यूनिट होता है। तो ये हमारा एसआई यूनिट हो गया और ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड फाइंड आउट करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। तो यहां पर एक कॉइल है जिसका लेंथ एल है और इस पे नंबर ऑफ एक वायर टर्न किए गए हैं। ये एन टर्न्स हैं और इसका लेंथ एल है, ऐसे टर्न एन है तो स्मॉल एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इससे जब करंट फ्लो करेगा आई तो इसका मैग्नेटिक फील्ड्स, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लेंथ प्रोड्यूस होंगी जो कि इंक्रीज करेंगे इस डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का इसमें इसका होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पर एन की वैल्यू डाल देंगे इसमें तो हमारा बी हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन लेंथ इनटू आई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है हमारा
बी डॉट ए, ये हमारा एरिया ऑफ क्रैक्स, क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्रॉस होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारा एन है और बी डॉट ए इज आवर मैग्नेटिक फ्लक्स, तो डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो बी ए कॉस थीटा, और एंगल हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर ही है, तो कॉस 90 0, तो यहाँ पर कॉस 90 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन बी ए, तो यहाँ पर हम फ्लक्स इक्वल टू बी का वैल्यू पुट कर देंगे ये वाला, तो एन इंटू म्यू नॉट एन एल आई इंटू ए, तो यहाँ फ्लक्स हो जाएगा हमारा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन लेंथ एल। तो हम जानते हैं एज वी नो डैट इंडक्टेंस इज इक्वल टू, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट करंट आई, तो यहाँ पर हम फ्लक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल इंटू आई, यहाँ आई से आई कट जाएगा हमारा, तो हमारा इंडक्टेंस हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा हमारा सोलेनोइड का म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया अपॉन लेंथ एल। तो हमारा किसी भी मटेरियल के लिए जो इनसाइड यहाँ मटेरियल जो लगा रखा है, इसी किसी भी मटेरियल के लिए जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।